नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका विनिंग एज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग 3.3 ट्रिग्नोमेट्री का 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत स्लो करा रहे हो, इतना स्लो मत कराओ क्योंकि कोर्स रह जाएगा। तो बच्चों, आप पहली बार 11th कर रहे हैं और पिछले 7 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, तो कोर्स आपका खत्म हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत पालिए, ठीक है। और बात रही ट्रिग्नोमेट्री की, तो देखो इसकी वेटेज ना सबसे ज्यादा नंबर की है, ठीक है। इस वजह से आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। और इसके क्वेश्चन अगर मैं फास्ट तरीके से कराऊंगा तो कई बच्चों को ऐसा हो सकता है कि समझ में ना आए, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा संयम रखना है, ठीक है। क्योंकि इसके अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल आएंगे, उसके बाद आपके लिए इसके सामने दिक्कतें भी आएंगी, तो इतनी टेंशन मत लो। मानता हूँ थोड़ा स्लो है, लेकिन स्लो इसलिए है क्योंकि हमारे पास हर लेवल के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो थोड़े वीक भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सीखने का हक नहीं है, उन्हें भी सीखने का हक है। तो थोड़ा प्लीज़ संयम रखें, ठीक है, कंट्रोल रखें। एक एक चीज़ बोर्ड पे करवाऊंगा, एक 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 क्वेश्चन बोर्ड पे करवाऊंगा, लेकिन कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल रखें और एक एक चीज़ अपने सामने ओपन होते हुए देखें कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि सभी बच्चे आज 3.3 के कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। अब क्या है, मैं चाहूं तो दो तरीके से करा सकता हूं इसको, कि भाई एक बार में सारे फॉर्मूले लिख दूं और फिर क्वेश्चंस करवाना शुरू करूं, लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ देख के आप हो सकता है भाई पैनिक हो जाओ, थोड़ा घबरा जाओ। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि मैं पहले फॉर्मूले लिखवाऊं और फिर उन फॉर्मूले से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है। तो एक एक करके हम फॉर्मूले उठाएंगे और वही एक एक करके उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएंगे, ताकि आपको भी करने में मजा आए। और 3.2 का होमवर्क अभी तक मेरे पास आया नहीं है, तो कृपया करके सेंड करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे सकता हूं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे सकता हूं, लेकिन बच्चों पहले आप फॉर्मूले को देखो। पहले आप लोग किसको देखो, फॉर्मूले को देखो। मैं जब न्यूमेरिकल पे आऊंगा, समझाने पे आऊंगा, तो ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा ये बना कैसे है, ठीक है। वैसे ये एग्जाम में आता है नहीं कि भाई ये कैसे बना है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चनों में हम ट्राई कर लेंगे, ठीक। तो अभी क्या है, साइन ए प्लस बी, तो क्या बनेगा वो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब क्या कि भाई एक बार ए एंगल साइन को दो तो बी एंगल कॉस को, और अगले में ए एंगल कॉस को दो तो साइन को बी वाला एंगल। अब एक बात और बता दूं, याद रखना इन फॉर्मूलों के अंदर ऑलवेज जो ए एंगल होगा वो बी एंगल से बड़ा होगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो, साइन बड़ा एंगल कॉस छोटा एंगल प्लस कॉस बड़ा एंगल साइन छोटा एंगल। पल्ले पड़ रही है बात। चलो अब इसी तरह अगर मान लो आ जाता है साइन ए माइनस बी, तो सेम कैटेगरी रहेगी, बस फर्क क्या होगा बच्चों, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसमें भी कौन है भाई, ए जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, बी से बड़ा होगा एंगल, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं हम कॉस ए प्लस बी, तो ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, इसको लिखते हैं हम कॉस ए कॉस बी, यानी दोनों कॉस वाले एक साथ। अब अगर प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस लगाएंगे, और साइन ए साइन बी, दोनों साइन ए साइन बी एक साथ। कॉस का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। और भाई अगर ये होता कॉस ए माइनस बी तो क्या बोलते आप बोलते कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो क्या लगाओगे, प्लस, साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है। ये चार फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए। अच्छा अगला आता है
टेन ए प्लस बी क्या आता है, टेन ए प्लस बी। तो चलिए इसका आता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाई में टेन बी। ध्यान से देखो क्या है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अच्छा इसी का नेक्स्ट टेन ए माइनस बी क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी और नीचे वन प्लस टेन ए टेन बी, ये बन गया, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ एक और बनता है कॉट का, कॉट ए प्लस बी। तो थोड़ा उल्टा पुल्टा फॉर्मूला इसका, तो जरा ध्यान से देखें कैसे। इसका फॉर्मूला होता है कॉट बी कॉट ए माइनस वन, ऐसे कॉट बी कॉट ए माइनस वन अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए, थोड़ा उल्टा पुल्टा है। टेन का बिल्कुल देख रहे हो, क्योंकि आपको पता ही है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बिल्कुल टेन का क्या है, रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। और ये भी आगे पीछे हो गया, अब देख लो। अगला आता है कॉट ए माइनस बी, तो इसका भी क्या बनेगा, कॉट बी कॉट ए, ये अलग फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ ये चलो मैं इसको साइड में ही लिख देता हूँ यार, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ लिख देता हूँ। कॉट ए माइनस बी का क्या बनेगा, कॉट बी कॉट ए प्लस वन और कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये मैंने आपको कुल मिला के आठ फॉर्मूले लिखवाए, अब इन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लो, फिर इनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करने कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं, फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे, बड़ा आपने लिया होगा, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्या भाई, न्यूमेरिकल्स। अब एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स कवर करना शुरू करूंगा मैं, ठीक है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या है। चलो अब तक क्या पता कर रहे थे, साइन 60 साइन 30 साइन 90, ये सब कहां पता किया, 10th में। उसके बाद क्या सीखा, हाँ भाई साइन 225 साइन 120 कॉस 150, इस तरीके से यही सब पता किया था। अच्छा और ऊपर का एंगल भी, जैसे 1125 है ना, साइन 1125 डिग्री, कॉस 1440 डिग्री, इस तरीके से। लेकिन अब देखो क्या है, बिल्कुल छोटा सा एंगल लिया है साइन 15 डिग्री, लेकिन इसको निकालना बच्चों इतना आसान नहीं है। अगर एक बार सीख जाओगे तो चुटकियों का खेल है, नहीं सीखोगे तो फिर अजीब सा लगेगा। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 15। अच्छा क्या मैं साइन 15 को 45 माइनस 30 लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बोलो। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 45 में से 30 माइनस होगा तो 15 ही आएगा। अच्छा इसको ना मैं 60 माइनस 45 भी लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों 60 में से 45 जाएगा तब भी 15 आएगा। तो आप चाहे 45 माइनस 30 लिख लो, चाहे 60 माइनस 45 लिख लो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलो मैं इसी को सॉल्व करा देता हूं अब, ठीक है, अगले को उससे करा दूंगा। अब जैसे ये है, तो ये क्या बना, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले वाला पेज खोल लो जो आपने नोट किया होगा अभी फटाफट। क्या ये साइन ए माइनस बी जैसा लग रहा है, अब देखो मैंने क्या बताया था, ए ऑलवेज बड़ा होगा बी से, ए बड़ा है बी से। चलिए फॉर्मूला खोलिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें, यहां तक तो एक्सप्लेन हो गया होगा अच्छे से। साइन 60 की वैल्यू रट चुके हैं, कॉस 45 की वैल्यू रट चुके हैं, कॉस 60 की वैल्यू रट चुके हैं और इसकी वैल्यू हो गया भाई क्लियर, क्या बन गया ये, √3 अपॉन 2√2, 1 अपॉन में 2√2, एलसीएम सेम आ जाएगा, 2√2 √3 माइनस 1, आंसर इज दिस, हो गया खत्म। है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जल्दी बोलो है कि नहीं आसान, ठीक। अच्छा इसी तरीके से अगर मान लो कॉस 15 डिग्री आएगा, तो क्या आप इसको आराम से लिख लोगे, कॉस 45 माइनस 30, तब भी आंसर यही है, ठीक है। मतलब देखो कैसे, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो क्या लगेगा, प्लस, ठीक है। साइन ए साइन बी
सभी बच्चों ने फॉर्मूले का पेज ओपन कर रखा है ना, बस उसमें देखो और बताओ, cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2, root 3 2 root 2, 1 by 2 root 2, LCM 2 root 2, root 3 plus 1, आंसर। क्या कोई समस्या है बताओ? इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। तीन नंबर का आता है देख लो, मतलब एक तरह से फ्री के नंबर, मतलब बस एक सीखने की देर है, यहां सीखे नहीं और यहां आपके लिए क्वेश्चन एक तरह का बिल्कुल मिठाई, बिल्कुल सिंपल, खाया और खत्म कहानी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा सभी को? नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मुझे करके दिखाएंगे सभी बच्चे, टेन 15 डिग्री, ठीक है, और कॉट 15 डिग्री, ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो लीजिए बच्चों, अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले मैंने अपना 1075 को उठा रहा हूं, अब क्या आ गया 1075। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि 15 को हमने क्या किया था, 45 माइनस 30, तो बस 75 को क्या लिखोगे आप, जल्दी बोलो, 45 प्लस 30, यही होता है ना। अब 60 प्लस 30 मत कर देना, 95 हो जाएगा वो, ठीक है? चलो अब इसको देखो क्या हो गया, 45 प्लस 30 तो क्या बनेगा, टेन ए प्लस बी, तो क्या बन गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, कोई दिक्कत? चलो 1045 1 10 30 1 बाय रूट 3, 1045 1 मल्टीप्लाई 10 30 1 बाय रूट 3, चलो सॉल्व करो, 1 ये सॉरी रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3, ऐसे भी जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बन जा 1 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, फिर इसके साथ भी सेम, ठीक है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। प्यारे बच्चों रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है? अब रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब देखो आप यहां छोड़ दो तब भी ठीक है, रैशनलाइज कर दो तब भी ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे बच्चों, आपको अच्छे से पता है, 9th क्लास में सीखा आपने, जो यहां पर है ना डिनोमिनेटर में, सेम चीज यहां पे लिख दो। लिख दिया, अब अगर माइनस का साइन है तो प्लस लगाओ, और प्लस का साइन होगा तो माइनस लगाओ, यही चीज हमने सीखी है रैशनलाइजेशन में। तो बस ये तो सेम है, बन जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये आपको ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा लग रहा है? बिल्कुल, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये रूट 3 का 3 1 का 1, रूट 3 का 3 1 का 1, 2 रूट 3, 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4, माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, 2 कॉमन 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल 2 माइनस रूट 3, ये किसकी वैल्यू आई 1075 डिग्री की। देखो है इजी, पल्ले पड़ा। तो बस आपको क्या करना है, जो आप अब तक करते आए ना बेसिक सॉल्यूशन करते चलना है, आपको क्या करते चलना है, बेसिक सॉल्यूशन करते चलना है, ठीक है? तो यहां पे कोई दिक्कत समझ में आ गया, प्लस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 गया 2, माइनस 2 2 2, ठीक है, सब कुछ सही है। अच्छा एक गलती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये रहा सॉरी, गलती हो गई थी, इसको देख लेना, ठीक है? चलो इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है? चलो वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। अब अगर कॉट का करना पड़े तो कॉट का कर लोगे, कॉट 75 कॉट 15 कर लोगे ना? अरे बोलो। चलो तो अब इसको कर लेना, ठीक है? होमवर्क में और दे देता हूं, क्या साइन वगैरह तो करा दिया, ठीक है, 10-15 डिग्री का भी होमवर्क दे दिया था, कॉट का कर लेना, कॉट 75, ठीक है, साइन 75, ठीक, कॉस 75, और क्या है, बस यही सब है,
बस इनको कर लेना ठीक। तो जितनों के भी 15 के कराए हैं उनका उल्टा उनके 75 का भी करना ठीक है। तो ये दो चार क्वेश्चन है ये करो, फिर अब मैं कुछ नए क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूं तो फटाफट उसको भी देखना ठीक है। तो इसको होमवर्क में नोट कर लो और अब देखो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन। चलिए मैंने एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर ली है और अब आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं 3.3 के ठीक है। चलिए अच्छा बच्चों, अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं 3.3 का सिक्स्थ क्वेश्चन। 3.3 का क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई सॉरी एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स और फिर साइन पाई बाय 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो क्या है बच्चों, ध्यान से देख लो, आपको ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है इसके बराबर प्रूफ करना है। क्या करना है आपको ध्यान से देखेंगे, आपको प्रूफ करना है ठीक है जी। प्रूफ करना है कि भाई ये पूरा इसके बराबर है। चलिए देखो कुछ बच्चों की नजर बिल्कुल अच्छी होगी तो वो तुरंत पहचान गए होंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जिन बच्चों को भाई फॉर्मूला यानी कि क्वेश्चन देख के फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है उनके लिए मैं एक केस बनाने जा रहा हूं। वो देखिए आप क्या कीजिए, आप ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और क्या है कि ये जो एंगल है ना बच्चों ये काफी बड़े बड़े दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, काफी बड़े बड़े दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं इसको पहले छोटा करते हैं बच्चों, लेट करो क्या करो, लेट करो कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बराबर ए और पाई बाय 4 माइनस वाई बराबर बी। ये हमने क्या कर लिया बच्चों, ये हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया। चलो लेट गया, अब क्या बन गया ये कॉस। अच्छा ये पूरा किसके बराबर है, ए के। चलो कॉस ये पूरा किसके बराबर लेट किया, बी के। माइनस साइन ये पूरा किसके बराबर किया है, ए के, और ये पूरा किसके बराबर किया है, बी के। तो लो जी सबकी वैल्यू हमने उसकी जगह पे पुट कर दी जो हमने लेट किया। तो क्या ये आपको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला लग रहा है, कॉस ए प्लस बी का, हां कि ना, जल्दी बोलो कॉस ए प्लस बी का। अच्छा अब आता है कॉस ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दो प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दो ठीक है। अच्छा अब मुझे बच्चों एक सिंपल सी बात समझाओ, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, हां कि ना, जल्दी बोलो, सही बात है। अच्छा तो पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, तो 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 होता है, और 90 को डिग्री में, 90 डिग्री को पाई में कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2, कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 एड होके क्या बन जाएगा, पाई बाय 2। कैसे बन जाएगा चाहो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो 4 एलसीएम पाई प्लस पाई क्या बन जाएगा, 2 पाई, कैंसिल आउट पाई बाय 2, कोई दिक्कत। चलिए और ये माइनस का एक्स माइनस का वाई, अच्छा कॉस पाई बाय 2, इसमें और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारी चीज प्लस की हो जाएगी, सही बात है। चलो तो अब आ जाओ जरा उस खेल पे जो हम खेल पहले खेल चुके हैं, कौन सा खेल, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, याद आया। अच्छा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, भाई 90 में कुछ माइनस करोगे क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, 90 है तो क्या होगा, चेंज होगा किसमें, साइन में, और एंगल क्या है, एक्स प्लस वाई, क्या यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हो गया करो, है इजी,
फटाफट नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार फॉर्मूले से बना है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है ये सारी चीजें दे रखी हैं और कहा है कॉस एक्स प्रूव करो, क्या करो कॉस एक्स प्रूव करो, तो कर लेते हैं प्रूफ भाई। एलएचएल लीजिए, ठीक है एलएचएस ले लिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा अब एक काम करो, अब देखो ये भी एक एंगल बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो आप एक काम करो एन प्लस वन एक्स को मान लो ए, ठीक है, और एन प्लस टू एक्स को मान लो क्या, जल्दी बोलो बी, मान लिया। चलिए मानने के बाद अब हमारी गेम शुरू होती है, साइन इसको क्या माना था ए, साइन इसको क्या माना है बी, कॉस इसको क्या माना है ए, कॉस इसको क्या माना है बी। भाई हमने एंगल को माना है, ये भी बात ध्यान रखना, कहीं कॉस वॉस को भी कर दो। अच्छा अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस है कॉस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको आगे और इसको पीछे लिख दूं तो ये बन गया कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, ये एक फॉर्मूला है। क्या कोई फर्क पड़ता आगे पीछे लिखने से? नहीं पड़ता। तो बस कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है साइन बी किस चीज का फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी का। फॉर्मूला का पेज ओपन रखना हमेशा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, कॉस ए कितना है एन प्लस वन एक्स, बी कितना है एन प्लस टू एक्स। चलो सॉल्व करना जरा, अंदर मल्टीप्लाई एन एक्स प्लस एक्स, यानी एक्स की इससे मल्टीप्लाई एक्स की इससे मल्टीप्लाई माइनस, फिर एक्स किससे मल्टीप्लाई एन एक्स, एक्स किससे मल्टीप्लाई टू एक्स, क्या बन गया कॉस एन एक्स एक्स, अंदर मल्टीप्लाई होगा एन एक्स माइनस का टू एक्स, एन एक्स एन एक्स कट गया, टू एक्स में से एक्स गया माइनस का एक्स, और आपको तो अच्छे से पता है कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत समस्या कोई? ठीक क्लियर हो गया पूरे अच्छे तरीके से, नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो नोट कर लिया ना तभी ने, ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। अच्छा अब इस फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन कोई दूसरा है, मतलब यही मान लो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, और प्रूफ करना है इसे वन प्लस में टेन एक्स और वन माइनस में टेन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ये प्रूफ करना है अभी। ठीक है बच्चों चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक हमें यहां तक पहुंचना है, ठीक है तो करिए इसको। ये क्या आपको tan a प्लस बी जैसा लग रहा है? ओपन कीजिए tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, ठीक है। अच्छा अब नीचे वाला आपको tan a माइनस बी जैसा लग रहा है, तो tan a माइनस tan b वन प्लस में tan a tan b, ठीक है। चलिए तो tan 45 tan pi by 4 कितना होता है 1 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 1 into tan x, अब tan pi by 4 1 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 1 into tan x बराबर। हाँ जी बच्चों अब क्या है इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 minus tan x 1 प्लस टेन एक्स, वन ये 1 माइनस टेन एक्स, सॉरी 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 उल्टा सीधा हो गया, माइनस टेन एक्स और ये 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब आपको तो पता ही है बच्चों फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स, और जब ये पलटेगा तो पलट के क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स ऊपर और 1 माइनस टेन एक्स नीचे, तो दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कॉमन ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क
नहीं पड़ता, हैंस प्रूव्ड। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला ओपन करके रेसिप्रोकल करना था, आंसर आपके सामने, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके फटाफट इसको खत्म कीजिए, ठीक, वीडियो पॉज करके फटाफट इसे खत्म कीजिए। कर लिया नोट वीडियो पॉज करके? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है, फिर लगभग 3.2 काफी हद तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कर लिया है, सिक्स्थ कर लिया है, सेवंथ कर लिया है, ठीक है, और टेंथ कर लिया है। अब एट्थ और नाइन्थ और करा देता हूं मैं, ठीक है, एट्थ और नाइन्थ आज की क्लास में, एट्थ और नाइन्थ और करा देता हूं। तो एट्थ है आपका कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, और प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर एक्स के। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, चलो निकालो लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी बताओ, पहले तो ना आप क्वाड्रेंट बना लो, जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई। हाँ जी कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड, थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन पाई है तो नो चेंज। अच्छा कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। अच्छा साइन पाई माइनस एक्स, पाई में माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव और पाई है तो चेंज नहीं होगा, साइन एक्स। अगला कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव लेकिन पाई बाय टू मतलब 90 है तो चेंज हो जाएगा किस में? साइन में एक्स। तो क्या हुआ? माइनस से माइनस कटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स। हो गया प्रूफ? हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल या दोबारा बताऊं? चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, पाई है यानी कि 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स तो होता ही है कॉस एक्स, ठीक है। अब साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, पाई मतलब 180 है तो नो चेंज, ठीक। अगला कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, तो क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड, सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव लेकिन पाई बाय टू है, पाई बाय टू मतलब 90 है तो चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में। तो वही है, माइनस से माइनस कट गया, सॉल्व कर दिया आपके सामने, कोई दिक्कत? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और फिर खत्म करते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में। हो गया यहां तक नोट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक नाइन्थ क्वेश्चन और देख लो, फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखो, क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स, कॉस टू पाई प्लस एक्स, कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉट टू पाई प्लस एक्स, और प्रूफ करना है वन के बराबर। प्रूफ किसके बराबर करना है? वन के बराबर। बहुत सिंपल है, लो जी कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स, थ्री पाई बाय टू का मतलब होता है 270। अच्छा 270 प्लस एक्स क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, सही बात है। अब जब फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन 3 पाई बाय 2 270 है तो चेंज हो जाएगा किस में? साइन एक्स में। अच्छा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई ये रहा, 2 पाई का मतलब 360, 2 पाई प्लस एक्स तो 2 पाई में ऐड करेंगे तो कहां जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो सबकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, और 2 पाई का मतलब 360 तो नो चेंज, ठीक है। अगला कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव और 3 पाई बाय 2 है मतलब 270 है, तो चेंज हो जाएगा किस में, टेन एक्स में, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव 2 पाई है, नो चेंज कॉट एक्स। चलो बच्चों हो गया सॉल्व, साइन एक्स कॉस एक्स, क्या मैं इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं, क्या मैं इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूं, चलिए साइन एक्स कॉस एक्स, इसको इससे साइन स्क्वायर एक्स, इसको इससे कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इससे साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए तो साइन एक्स है साइन एक्स, कॉस एक्स है कॉस एक्स, कैंसिल, बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी पढ़ रखी है, आंसर इज वन, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो देख लो कितना सिंपल है, और ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं ना ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं बच्चों, ठीक है, ये मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले आप लोग रिवाइज कीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, पहले आप लोग क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करके फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कृपया करके प्लीज हर वीडियो को रिवाइज करना जरूरी है, तो सभी बच्चे रिवाइज कीजिए। तो इसको बच्चों नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं आज एक ही दिन में इतना ज्यादा नहीं कराऊंगा कि आप लोग परेशान हो जाओ। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करो और अच्छे से समझो, ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे और भी नए नए क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।